Hey guys, this is Fat Begabo, and in this video, I'm gonna teach you the art of drifting. Now the art of drifting is a combination between sliding the car and controlling it. एक होती है good drift and एक bad drift. Good drift ये होती है आप ऐसे कर सकते हैं. Now जो bad drift होती है वो ऐसी होती है इसमें आपकी sliding बिल्कुल खराब हो जाती है. And don't worry, आपको पूरी तरह मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको ड्रिफ्टिंग करनी है, कैसे लर्न करना है. आप पीछे देख सकते हैं मेरे पास ब्रेजा खड़ी हुई है. नो, दिस इज नॉट एन आइडियल कार फॉर ड्रिफ्टिंग बिकॉज इट डीजल है, देन इट इज हैवी एंड इट्स एन एसयूवी. आपके पास सेडान है, लो राइडर है, दैट इज वेरी गुड. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज काफी ज्यादा अच्छी ड्रिफ्ट कर लेती है, 5 सीरीज भी काफी अच्छी ड्रिफ्ट कर लेती है. लेकिन मैं एग्जांपल लूँ स्विफ्ट वर्सेस डिजायर का, वो सेडान होती है डिजायर, लेकिन डिजायर इतनी अच्छी ड्रिफ्ट नहीं कर पाती जितना स्विफ्ट कर पाती है. एंड इट इज बिकॉज उसका सस्पेंशन. अगर आपका सस्पेंशन जितना स्टिफ है उतनी आपकी बेटर ड्रिफ्ट हो जाती है. प्रेफर कार जो लॉन्ग हो उसका स्टिफ सस्पेंशन हो तो वो बेटर ड्रिफ्ट करेगी. इस वाली चीज को पावर साइड ज्यादा बोलना चाहूंगा, ड्रिफ्ट कम बोलना चाहूंगा बिकॉज दिस इज अ फ्रंट टाइप कार. अगर आपकी रियर व्हील ड्राइव कार होगी तो प्रॉपर ड्रिफ्ट कही जाएगी. फिश मेरे साथ है, पीछे खड़ा हुआ है कैमरा के, मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको. तो ये आज मैं रिकॉर्ड करेगा ड्रिफ्ट की वीडियो, कैसे ड्रिफ्ट करते हैं हम ये स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल के साथ ड्रिफ्ट का, कि कैसे ड्रिफ्ट करी जाती है. मैं अंदर जाऊंगा गाड़ी के अंदर, देन आपको टेक्निक दिखाऊंगा कैसे आप स्टेयरिंग मोड़ेंगे, कैसे आप काम करेगा, एंड उससे आपकी जो ड्रिफ्ट लगेगी वो बेस्ट हो जाएगी. वी आर इन अ ग्राउंड, यहाँ पर कोई ड्रिफ्ट का पंगा भी नहीं आता है, ट्रैफिक रूल्स भी हम वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आराम से सेफ है बिल्कुल करना. अगर आप किसी प्राइवेट जगह पे हैं जहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं होती है, प्रॉपरली लीगल होता है ये चीज़ करना. इवन तो अगर आपकी रोड वेट है तो काफ़ी अच्छी ड्रिफ्ट लगेगी, लेकिन प्लीज़ स्ट्रीट से ऑफ रहना. तो वेट ज्यादा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाता हूँ कैसे ड्रिफ्ट करी जाए. नाउ द थिंग इज दैट जो मेरी कार है वो ऑटोमेटिक है, तो उसको मैं फिलहाल मैनुअल मोड पे चलाऊंगा. इसमें आता है एएमटी में एक ऑप्शन आता है मैनुअल करने का, तो जैसे मैनुअल करेंगे वहाँ पर सारा कंट्रोल आ जाएगा, फर्स्ट थिंग आराम से ऑपरेट कर लेंगे. ड्रिफ्ट की भी दो चीजें होती है, उसमें कहूंगा एक हैंडब्रेक टर्न, एक थोड़ी सी पावर स्लाइड. तो पहले मैं आपको हैंडब्रेक टर्न करके दिखाता हूँ कैसे होगा. यहाँ पर एक और कैमरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे होगा. आपको दिखाऊंगा पावर स्लाइड कैसे करते हैं. आपको कुछ नहीं करना, अपने गाड़ी सीधी सीधी लेके जानी है, हैंडल बार आपको टर्न करना है, साथ साथ हैंड ब्रेक खींच देनी है. तो मैं करके दिखाते हैं इस चीज को. मेक श्योर आप हमेशा सीट बेल्ट पहने बिकॉज सिक्योर रहता है. ठीक है, वी गॉट अ स्टार्टिंग राइट नाउ. फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फर्स्ट गियर आराम से कर सकते हैं. नाउ कुछ नहीं करना, हैंड ब्रेक टर्न करनी है एंड साथ हैंड ब्रेक खींच देनी है. तो अभी आपने देखा कैसे हुई पावर स्लाइड. आपको कुछ नहीं करना, हैंड ब्रेक मैंने मोड़ा इंसान, तो मैंने हैंड ब्रेक खींच दी. दिस इज इजी टेक्निक, कोई भी कर सकता है. अब थोड़ा सा मैं आपको पावर स्लाइड के बारे में बता दूं कैसे आप ड्रिफ्ट को कंट्रोल करेंगे. हम फिर से करेंगे यही चीज, पीछे जाएंगे एंड दूसरी टेक्निक आपको बता दूं. जो दूसरी टेक्निक है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अभी आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना हैंडलबार रोटेट करा, साथ साथ हैंड ब्रेक खींच दी. सेकंड में हम थोड़ी सी मॉड्यूलेशन करेंगे. मॉड्यूलेशन करने के लिए क्या करना है, हैंडलबार जैसे हम मोड़ेंगे ना उसके बाद ये हैंड ब्रेक खींचेंगे एंड साथ में दूसरी तरफ वापस आप हैंडलबार कर लेंगे ताकि हमारी जो गाड़ी है वो चलती रहे. अब इसमें भी काफ़ी स्पीड पर जाएंगे हम, कंटिन्यू हो रही है, मैं मॉड्यूलेट करता रहता हूँ इसको. कैसी लगी ड्रिफ्ट? एक्सट्रीम था ये. एक्सट्रीम थी. तो आपने देखा कितनी अच्छी है ड्रिफ्ट हुई है. अब थोड़े हम और शॉट्स लेंगे, आप देख सकते हैं गाड़ी का क्या हाल हुआ पड़ा है, कितनी ज्यादा गंदी हुई पड़ी है ऑलरेडी. अगर मैं किसी और ग्राउंड पे कर रहा होता बहुत ज्यादा वेयर आउट हो जाता एंड उससे हमारी गाड़ी थोड़ी सी खराब हो जाती. अगर मैं बात करूँ कार की लाइफ का, अगर आप ड्रिफ्टिंग करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपकी कार की लाइफ जरूर रिड्यूस हो जाती है. एंड अगर आप ये देखेंगे गाड़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा नहीं है फिलहाल, तभी मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मुझे पता है अपनी गाड़ी को कैसे प्रिवेंट करा जाए, कैसे इसमें नुकसान बिल्कुल कम हुए. लोग ये भी कहेंगे मेरी कार डीजल है, पेट्रोल क्या अच्छी ड्रिफ्ट में आती है. वेल यस, पेट्रोल का जो इंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेपी होता है, उसमें एक्सेलेरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एंड एक ही गियर पर आप काफ़ी ज़्यादा उसको होल्ड कर सकते हैं. हम फिर से यही टेक्निक वापस यूज़ करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा फिर से ड्रिफ्ट करके दिखाऊंगा कैसे ड्रिफ्ट होती है, क्या आर्ट होती है ड्रिफ्टिंग की. अब थोड़े से स्पीड पर जाएंगे और स्पीड थोड़ी ड्रिफ्टिंग करके देखते हैं एंड पूरा राउंड करके देखते हैं कैसे होएगा. अब इस वाली टेक्निक में क्या करूंगा, थोड़ा सा फ्लिक करूंगा हैंडल बार को, थोड़ा सा गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल करूंगा एंड जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी मैं हैंड ब्रेक खींच दूंगा.
उसको भी जोश बन गया। बीट पे वैसे सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, उस पर ठीक ड्रिफ्टिंग नहीं लग पाती है। बेस्ट कार अगर मैं ड्रिफ्टिंग कहूँगा ना हैचबैक के हिसाब से तो वो स्विफ्ट है। एंड स्विफ्ट से कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि स्विफ्ट हो सकता है किसी के घर आ रही हो। तो एक और टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं रिवर्स स्लाइड। रिवर्स गियर में जाना है, हैंडलबार पूरा रोटेट करना है एंड फिर देखते हैं कैसे वर्क करेगा। अब ये जो टेक्निक है ना ये काफी ज्यादा ईजी है करना रिवर्स में। कुछ नहीं करना, कोई हैंड ब्रेक यूज नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, आपको आराम से यू टर्न मारने के काम आएगी। रिवर्स में हम जा रहे हैं, पीछे देखते हैं ट्रैफिक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड हमारी हो गई 20-30 के साथ। हम एक और टेक्निक थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कि थोड़ा सा स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। पहले आपको डायरेक्शन जो है वो फ्लिप करना पड़ेगा ऐसे करके, एंड जैसे गाड़ी आपकी थोड़ी सी इंबैलेंस होगी आप हैंड ब्रेक खींचेंगे एंड वापस ऐसे कर देंगे। यही मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। फिलहाल स्पीड आएगी हमारी 30 के आसपास। पहले लेफ्ट क्लिक, जैसे स्टेबल ग्रेविटी हाई का हैंड ब्रेक करके ऐसे करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वाली चीजें पसंद आई होगी, आपको थोड़ी ट्रेनिंग लर्न हो रही होगी कि ड्रिफ्ट कैसी करी जाती है, आपकी गाड़ी कंट्रोल कैसी करी जाती है। ये चीज सीख के ना आपको गाड़ी के थोड़े से कंट्रोल आ जाते हैं, आपको पता लग जाता है आपकी गाड़ी कैसी रिएक्ट करेगी, एक्सीडेंट के टाइम भी आप थोड़ा सा बचा सकते हैं अपने आपको। इसी बात पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना। दिस फैट बैकर साइनिंग ऑफ। नाउ द टाइम आता है क्रिश को मैं अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाता हूँ और उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराता हूँ कि कैसे ड्रिफ्ट फील होती है। तो क्रिश कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है गाड़ी? इसको पहले ही पता है क्या होने वाला है यहाँ पर। जय हनुमान। अभी फिलहाल मैंने हैंड ब्रेक छोड़ दी थी, सिर्फ हैंडल बार पे कंट्रोल कर रहा था मैं। अभी तक तो सब ठीक है। अभी और हो शो भाई मुझे आए भैया, मुझे भी सिखाओ यार। तुझे सीखनी है पहले ड्राइविंग तो सीख ले यार। कोई नहीं, मैं सबसे पहले ड्रिफ्ट सीख रही हूं, आप सिखाओ बस। क्रिश क्या पी रहा है? अच्छा पियो